जय श्री कृष्णा दोस्तों, सृष्टि ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित है। हम सभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के फायदे, जो नहीं जानते हैं वो फायदे मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि पूजा पाठ की जाए तो क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या चीज़ हासिल हो सकती है। कितनी भी खराब कंडीशन क्यों ना चल रही हो, दुर्दशा हो गई हो परिवार की या आपकी, तो यदि उसमें सुधार चाहिए, यदि आप उसको सुधारना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के जो फायदे हैं वो ये हैं। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आपको पहले मैं बता देता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है वो सुबह 3 बजे से लेकर 5:20 तक का होता है, 5:20 तक। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 बजे तक लगा लीजिए, लेकिन 3 से लेकर 5:15 बजे तक यदि आप पूजा पाठ करते हैं, यदि आप कोई भी जप करते हैं तो उसका फल अमोघ होता है, मिलके ही रहता है 100%। किसी भी देवी देवता की आप पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त के समय कर सकते हैं, फल मिलना ही मिलना है। फायदा यह है कि सुबह 3 बजे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव ऑरा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 3 से लेकर 5:15 बजे तक। दूसरा, पांचों तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पांचों के पांचों तत्व ब्रह्म मुहूर्त में एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जिसकी वजह से काल चक्र में जितनी भी 9 के 9 ग्रह हैं, 12 की 12 राशियां हैं, सब की सब सक्रिय रहती हैं। तो इसका आपको फायदा उठाना है, एक तो ये। दूसरा, यदि आप लगातार निरंतर 3 बजे से लेके कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं या करते हैं कर रहे हैं तो इससे जो आपकी कुंडली शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति जिसको बोलते हैं, 7 चक्र जो हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। हमें महसूस नहीं हो पाते लेकिन वो एक्टिव होने लगते हैं, कुंडली शक्ति खुलने लगती है। उसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ चीज़ त्याग करने पर ही मिलती है। प्रकृति को कुछ देना पड़ता है तभी प्रकृति हमको देती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ये सब चीज़ें सक्रिय रहने के कारण जब आप पूजा पाठ करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो ये हमारे और ये ब्रह्मांड के बीच में अनेक सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा के कण घूमते रहते हैं, वाइब्रेशन जिसको हम बोलते हैं, लहरें हम जिसको बोलते हैं। पहले के जो लोग होते थे, हमारे जो ऋषि मुनिगण थे, वो ध्यान लगाकर वाइब्रेशन से ही दूसरे किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते थे, बात कर सकते थे, ये माध्यम होता था। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप सेवा कर या कोई भी आप कर्म करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, विद्यार्थी हैं यदि आप सुबह पढ़ते हैं तो अधिकतर देखा गया है कि एग्जाम में भी अधिकतर वो ही चीज़ें आ जाती हैं जैसा आपने पढ़ा था, लिखा था, सोचा था, वो ही। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, खासकर वो। अब देखो, ब्रह्म मुहूर्त के फायदे ज्यादा किसको मिलेंगे और किसको उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जो सौम्य ग्रहों के लग्न हैं, जो सूर्य से संबंधित राशियां हैं उनके लग्न हैं, उनको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जो परिवार में या कहीं पे भी दबे दबे से रहते हैं, खुलकर नहीं बोल पाते, खुलकर सामने नहीं आ पाते, हेजिटेशन जिसको होती है, या जिसकी वैल्यू खत्म हो गई हो परिवार में समाज में, तो उसको अवश्य पूजा पाठ करनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में।
नौ के नौ ग्रह अच्छा फल देने लगेंगे। धन की स्थिति खराब है, धन आ नहीं रहा, कर्जे की स्थिति है, तो आपको जरूर ब्रह्म मुहूर्त में सेवा करनी चाहिए। इतनी गारंटी है कि आपकी दुर्गति दूर हो जाएगी, दुर्दशा कभी नहीं होगी, आपके कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा जो आपका बेड़ा पार लगा देगा। और ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो देवी देवता भी इंतजार करते हैं कि कौन उठकर हमको सुबह पहले याद करता है, तो इच्छाएं भी शीघ्र अति शीघ्र पूरी होने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। वो अब मान लो आपका सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, मेष लग्न हो, कन्या लग्न हो, कर्क लग्न हो, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति मंगल से संबंधित हो तो राहु शनि पीड़ा देते ही हैं, तो इन लग्नों को रात्रि में पूजा पाठ क्या तो हो नहीं पाती, क्योंकि राहु और शनि रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा हावी होते हैं, नेगेटिव विचार ज़्यादा दे देते हैं। तो ऐसे इन लग्नों के जातकों को, इन राशि के जातकों को ब्रह्म मुहूर्त में सेवा पूजा मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, अद्भुत लाभ मिलता है। नुकसान की स्थिति है तो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में सेवा कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं 108 सुंदरकांड का आप संकल्प लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में करने का। आपको क्या करना है, 3 बजे उठना है, उठने के बाद में आपको सुंदरकांड पढ़ना है, बिना कुछ किए हुए जाइए। मैंने पवित्रीकरण के मंत्र बता रखे हैं, बिना स्नान किए पवित्र कैसे हों, उन मंत्रों को जप करके आसन बिछाइए, पश्चिममुखी, यानी कि मैंने बताया था आपको धन दौलत अगर आपको चाहिए तो आपको पश्चिम मुख रखकर हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। विजय प्राप्ति चाहिए, शत्रुओं से आप परेशान हैं तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की सेवा कीजिए आप। बाकी किसी भी देवी देवता की, नारायण भगवान की अगर आप सेवा करते हैं तो उत्तरी मुखी, बाकी सभी देवी देवताओं की सेवा आपको पूर्व मुखी होकर करनी चाहिए। तो 108 दिन लगातार सुंदरकांड पढ़ने का आप संकल्प लीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना है वो कितनी जल्दी पूरी होती है ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शुरू कीजिएगा, 108 दिन तक लगातार आपको सुंदरकांड पढ़ना है, तो जितना धैर्य से, जितना सात्विक चित्त से होकर पढ़ेगा उसकी मनोकामना वैसे ही वैसे धीरे धीरे पूरी होती चली जाएगी। 108 दिन भी पूरे नहीं लगेंगे, उससे पहले आपकी तमाम मनोकामनाएँ हनुमान जी पूर्ण कर देंगे। राम का नाम लेकर 108 दिन लगातार आपको सुंदरकांड पढ़ना है ब्रह्म मुहूर्त में। कोई स्नान आदि की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जल लेकर बैठिएगा, पवित्रीकरण के मंत्र हैं वो बोलिएगा, अपने ऊपर छिड़किएगा, और सुंदरकांड पढ़ने के पश्चात आप अपनी दैनिक क्रियाओं को जरूर कीजिएगा। और 108 दिन हनुमान ये सुंदरकांड अगर आपने पढ़ लिया तो जो चाहें आप कर सकते हैं, समाज में, देश में, परिवार में, हर जगह आपकी इज्जत होगी, मान प्रतिष्ठित होगा। जरूर कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि जिसकी भी अगर समस्याएं चल रही हो परिवार में या खुद के मानसिक या किसी भी तरीके से अगर वो परेशान चल रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, तो उसको यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसको भी मदद मिलेगी और आपको भी मदद मिलेगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।